नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट जो है 5PR इक्वल टू 6PR माइनस 1, इसमें हमने R की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर आइडेंटिटी सेम एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में लगाएंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, जब फर्दर सॉल्व करेंगे इसको 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, इस साइड 5 माइनस आर फैक्टोरियल है, इस साइड 7 माइनस आर फैक्टोरियल है। ठीक है, तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। इस साइड था 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं हम। 7 माइनस आर को लिख सकते हैं, 7 माइनस आर फैक्टोरियल को 7 माइनस आर मल्टीप्लाई 6 माइनस आर मल्टीप्लाई 5 माइनस आर। ठीक है, इस फैक्टोरियल में हमने इसको चेंज कर दिया। अब ये वाला सिमिलर है, ये वाला कट हो गया आपस में। ठीक है, इस साइड बचा है 1 और इस साइड बचा है 6 अपॉन 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। ठीक है, ये वाली वैल्यू बची है, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। लेफ्ट हैंड साइड इस चीज़ को उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7 6 42 माइनस 7 इंटू आर 7 आर माइनस आर इंटू 6 6 आर और माइनस प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 6 ये बन जाएगा। ठीक है, रीअरेंज करेंगे आर स्क्वायर पहले, फिर माइनस माइनस प्लस था 7 6 13 13 आर बना था ये, प्लस का 42 है, 6 इस साइड आएगा तो माइनस 6 इक्वल टू 0। आगे इसको और करा आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस माइनस 42 में से 6 जाएगा तो आएगा 36, बड़ी टर्म प्लस की है, इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया, आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 36 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे इसके जो कोफिशियंट है वो है 1, यहाँ पे 36 था, दोनों के फैक्टर कर लेते हैं, 218 जा 29 जा और 33 जा और 31 जा। ठीक है, हमें इन्हीं को रीअरेंज करके यहाँ पे 13R बनाना होता है, तो 33 जा 9 प्लस 4 13 बन जाएगा यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर 13 बना है तो माइनस 9R माइनस 4R प्लस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, R कॉमन ले लेंगे, R माइनस 9 बच जाएगा, इधर भी R माइनस 9 बचेगा, 4R बना है 4 लगा लिया, माइनस थी माइनस लगाए इक्वल टू 0, तो यहाँ पे दो फैक्टर बन गए, R माइनस 4 और R माइनस 9 दोनों ही 0 के इक्वल हैं। R इक्वल टू यहाँ से 4 आ जाएगा और R इक्वल टू यहाँ से 9 आ जाएगा। ठीक है, पर इक्वेशन में जो n की वैल्यू दी गई थी वो थी हमारे पास 6 हाइस्ट वैल्यू। ठीक है, तो n जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए r से, तो जो r की वैल्यू होगी वो 6 से छोटी रहेगी, तो यहाँ पे r की वैल्यू जो होगी वो 4 ली जाएगी। ठीक है, क्योंकि 9 जो है वो पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।